नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल यूट्यूब पर जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मोदक का गणेश पूजन में विशेष महत्व है। मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा, गुड़, कद्दूकस किया हुआ नारियल, खसखस, किशमिश, घी और नमक। आप मेरी वेबसाइट jaipurthepinksity.com से इस सामग्री की लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। चावल के आटे को गूंथने के लिए जितने पानी की जरूरत हो उतने पानी को उबलने रखिए। इस पानी में एक चुटकी नमक और एक चम्मच घी डालिए। जब पानी उबल जाए तो इसमें चावल का आटा डाल दीजिए और इसे ढक कर रख दीजिए। एक पैन में गुड़ डालकर गर्म करने रखिए। जब गुड़ पिघलने लगे तब इसमें खसखस, कद्दूकस किया हुआ नारियल और किशमिश डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। अब इसे आंच से उतार कर ठंडा होने दीजिए। जब तक यह मिश्रण ठंडा हो तब तक पानी में भीगा हुआ चावल का आटा गूंथ लीजिए। अब इस आटे से मध्यम आकार की लोई बनाकर इसे हाथों पे इस तरह फैला लीजिए। अब इसमें एक चम्मच गुड़ का मिश्रण रखिए। अब इसे इस तरह कलियां बनाते हुए अच्छी तरह बंद कर लीजिए। आप चाहें तो इसे इडली या ढोकले की तरह भाप में भी पका सकते हैं या फिर घी में तल भी सकते हैं। इसे भाप में पकाने के लिए एक मोटे छेद वाली चलनी या प्लेट पर घी लगाइए। अब एक बर्तन में पानी उबलने रखिए और उस पर ये चलनी रख दीजिए। अब इस चलनी पर मोदक रखकर ढक दीजिए। मध्यम आंच पर करीब 20 मिनट यह मोदक पकने दीजिए। मजेदार मोदक तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म भी परोस सकते हैं और रूम टेम्परेचर पर भी परोस सकते हैं। हर बुधवार मेरी नई रेसिपीज देखते रहने के लिए मुझे YouTube पर जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।